हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन चल रहे थे यूजी के लिए, जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, तो उसकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट के एडमिशन थे वो अब क्लोज हो चुके हैं। यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट के जो भी एडमिशन थे वो अब पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो 1,37,000 सीटें खाली पड़ी हैं। अब जो मंथन किया जा रहा है वो किया जा रहा है थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए, तो आज क्लियर हो जाएगा कि तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। अगर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो वो मार्क्स के अकॉर्डिंग जारी की जाएगी, जैसे अभी तक फर्स्ट मेरिट और सेकंड मेरिट लिस्ट आई थी, और यदि थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाती है तो ओपन मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें बच्चों को अपना ऑफर लेटर निकालकर कॉलेज में सबमिट करना होगा जिस कॉलेज में वो एडमिशन चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉलेज मेरिट लिस्ट जारी करेगा। यानी कि नए एडमिशन के लिए अगर ओपन मेरिट आती है तो उसके लिए कॉलेज अपनी मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जो ऑफर लेटर सबमिट किए जाएंगे। तो उसके लिए जो भी बच्चे हैं अपना तैयार रहें, और हो सकता है आज शाम तक इस पर फैसला दे दिया जाए। जैसे ही कोई डिसीजन आएगा तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो जो साथी इस सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहां पर तो आप डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सीसीएस यूनिवर्सिटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनका रिजल्ट नहीं आ पाया था या कोई और कारण था, तो उनके लिए भी चांस है, हो सकता है पोर्टल एक बार ओपन किया जाए जिससे वो अपना एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज या अपना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो अब उनका चांस नहीं है। तो जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की हालत है वो बहुत ही बदतर है। तो साथियों, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप एक बार कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर, कितने फीस पे एडमिशन हो रहे हैं, यदि आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की तरफ जा रहे हैं तो वो बहुत ही ध्यान से देख कर लीजिएगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है स्कॉलरशिप के बारे में, जानना चाहते हैं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, किस कॉलेज में कितनी फीस पर एडमिशन हो सकता है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। दूसरा, बात करें जो बच्चे बीएड वाले बच्चे हैं, जो बीएड फर्स्ट ईयर में, जिनका फर्स्ट ईयर था 2019-20 में, जिनका फर्स्ट ईयर था टू ईयर बीएड में, तो वो अपने रिजल्ट को लेकर काफी चिंतित हैं। काफी पहले अटकलें लगाई गई थी कि उनका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया जाएगा, लेकिन नहीं आया था। तो उसका रीजन था कि एनसीटीई की तरफ से जब तक नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब नोटिस जारी कर दिया गया है, जो उनका रिजल्ट है बहुत जल्द से जारी किया जाएगा। हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, जो प्रमोट है बीएड फर्स्ट ईयर। और जो हमारे सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, उनके प्रैक्टिकल होने हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए वो बच्चे अपना तैयारी में रहे, प्रैक्टिकल फाइल बना लें, उनके जो प्रैक्टिकल है नवंबर में, आपके प्रैक्टिकल की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और बात करें फाइनल ईयर के रिजल्ट की, जो बच्चे अपना एग्जाम दे चुके हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स का जो रिजल्ट है, बहुत सारे कोर्सेज का रिजल्ट जारी भी हो चुका है, और जो कोर्सेज का रिजल्ट रह गया है, जिन कोर्सेज का रिजल्ट रह गया है वो भी बहुत जल्द से जारी किया जाएगा। तो वो बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि क्या है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा फाइनल ईयर का, तब तक हमारा जो बीएड की काउंसलिंग है वो शुरू नहीं की जा सकती है। तो उनका रिजल्ट बहुत जल्द से जारी किया जाएगा, तो उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो आप भी चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।